हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेब टेक इन दैट चैनल। तो आज का हमारा एजेंडा है चेकबॉक्स और रेडियो क्लासेस को कवर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टम चेकबॉक्स दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको रेडियो बटन भी मिल जाएंगे। इसे क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको एक ट्यूब लेना होता है और उस पर फॉर्म चेक क्लास लगानी होती है, और इनपुट पर आपको लगाना होता है फॉर्म चेक इनपुट, और लेवल पर आपको लगाना होता है फॉर्म चेक लेवल। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो स्विच कॉपी ऑप्शन मिल जाता है। स्विच के लिए भी कुछ अधिक नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्म स्विच क्लास ऐड कर देना है फॉर्म चेक के साथ साथ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और क्रिएट करते हैं इन सभी को। यहाँ पे और भी आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, इन सभी को भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं अपने वी एस कोड में और क्रिएट करते हैं इसे। यहाँ पर मैंने स्टार्टर टेम्पलेट ले रखा है बूटस्ट्रैप का। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्म चेक क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि हमें सबसे पहले चाहिए होगा फॉर्म चेक क्लास। और इनपुट सबसे पहले हम चेक बॉक्स के लिए क्रिएट कर लेते हैं चेक बॉक्स, और यहाँ पे आपको लेना है लेबल। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेक बॉक्स, सेव करते हैं और सबसे पहले रन कर लेते हैं हम इसे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा चेक बॉक्स आ रहा है, ऐसा चेक बॉक्स है। अभी हमने इसे कुछ कस्टमाइज नहीं किया है, ये डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स है हमारा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनपुट पे क्लास लगानी है फॉर्म चेक इनपुट। कौन सी क्लास लगानी है, फॉर्म चेक इनपुट। और लेवल पे हमें लगाना है क्लास फॉर्म चेक लेबल। ओके, यहाँ पे लेबल में मैंने कर दिया चेक बॉक्स, और यहाँ पे आईडी भी कर दिया है चेक, ताकि हम टेक्स्ट पे क्लिक करें फिर तो भी वो क्लिक काम कर सके। ओके, तो अभी मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो ये हमारा चेक बॉक्स बिल्कुल चेंज हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप कस्टम चेक बॉक्स का यूज कर सकते हो बूटस्ट्रैप के। अभी हम रेडियो बटन भी देख लेते हैं। तो रेडियो बटन के लिए क्या करना है, बस इसे कॉपी करना है चेकबॉक्स वाले को ही, और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको कर देना है टाइप चेक बॉक्स की जगह टाइप रेडियो। ओके, सेव करते हैं और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये हमारा रेडियो बटन आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आईडी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेडियो रेडी। ओके, और यहाँ पे हम कर देते हैं रेडियो बटन, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये हमारा कस्टम रेडियो बटन है और ये कस्टम चेक बॉक्स है बूटस्ट्रैप का। ओके, और स्विच भी देख लेते हैं। स्विच के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसे कॉपी करना है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे पेस्ट कर देते हैं। और इस फॉर्म चेक के साथ आपको ऐड कर देना है फॉर्म स्विच। और यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप जो इनपुट टाइप ले रहे हैं वो किस टाइप का हो, चेक बॉक्स टाइप का हो। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, आप इसे ऑन भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ऑन आए तो यहाँ पे आप चेक लिख दो, यहाँ पे आप चेक लिख सकते हो। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देख सकते हो आप, बाय डिफ़ॉल्ट चेकड है, अनचेक कर लिया हमने। तो ये तीन मेन क्लासेस थे जो आप यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।